चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वालों वाहन मालकां नूं एक मौका दिता गया जिन्हां दे वाहन लॉकडाउन के दौरान इंपाउंड किए गए सन या फिर जिन्हां लोगों के चलान किए गए इस नूं लैके शनिवार नूं सैक्टर 43 की जिला अदालत दे विच विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई जिते कि काफ़ी गिणती दे विच लोग अपने चलान छुड़ाउण दे लई पहुंचे ते इस दे विच कई लोग अजिहे भी सन जिन्हां दे कि काफ़ी वड्डे चलान कटे गए सन जिन्हां नूं ओह भर नहीं पा रहे सन इस कारण यह लोक अदालत दे विच पहुंचे इत्थे पहुंच के इन्हां लोगों ने अपने चलाना का भुगतान किया उत्थे ही दूजे पासे चलान भुगतन आए कई लोगों नूं काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पिया ते लोगों का कहना सी कि ओह चलान भुगतान तां इत्थे पहुंचे ने पर उन्हां नूं कई बार उपर हेठा भेजा जा रहा है जिसके चलते उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा क्योंकि उन्होंने कोल पूरी लिस्ट ही नहीं पहुंची है तो जेकर इस तरह के नाल लोक अदालत लगाई जाती है तो पूरे बंदोबस्त भी किए जाने चाहिए ने। मैं घंटा हो गया मैं मेरे चलान ही नहीं मिल रहे थल उत्थे जिहड़ा अपना काउंटर दे उत्थे रजिस्ट्री वाले पासे वो बैठा उन्हें मैंने कोर्ट नंबर दस्से कोर्ट नंबर च गया उत्थे है नहीं चलान थल्ले आ रहे थल्ले एंटरटेन नहीं कर रहे तो मैंने खुद नहीं प्रॉब्लम आ रही घंटा हो गया मैंने घूमते मेरा खुद का चलान है मेरी खुद की गड्डी का मैं इस करके मैं चलो आया मैं देखा तो ऑलमोस्ट मैं 11 बजे का घूम रहा तो इस वेले 12 बजे चले ने तो मैं अजे तक यही नहीं पता लगे मेरा चलान कि कोर्ट से मैं कि कोर्ट जाके अपने आपको प्रेजेंट करा तो मैं अपना चलान जो है कैमरे वाला चलान है तो मिल ही नहीं रहा कितने तो 2020 का है मेरे एक ओवर स्पीड से मैं हाईकोर्ट जा रहा है तो अनफॉर्चुनेटली मैं स्पीड वेखी नहीं उस वेले तो मेरी कार की स्पीड 60 तो 65 हो गई सी थोड़ी हल्की जी माइनर जी हाँ हाईकोर्ट तो दूजा चलान होया मेरे विआह वाले दिन सीगा मंग के गड्डी लै गया उन्हें गां स्लिप रोड तो गां गड्डी लाती वो फोटो नाल उहदा हो गया 500 रुपये चलान तो मैं चल कढ़ा लीए अज असी भी फायदा ले लिए लोक अदालत का पर सानू फायदा तो की है सानू तो 2 घंटे हो गए कदे उपर कदे थले चौथी मंजिल टारगेट ला चुके हैं नहीं बेसिकली जो डाटा ना वो तो चंडीगढ़ पुलिस तो आना है ना ट्रैफिक पुलिस तो ठीक है वो डाटा ही नहीं इन्हों पता लग गया और जोड़ा इन्होंने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने ही इन्हों गाइड करना भी तुम कोर्ट से जाके थोड़ा उत्थे हैगा वो बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो तो अपना डाटा दिखा रहे हैं सारा भी सर साढ़े को आ डाटा है बट कोर्ट नंबर तो दसना तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है ना वो इन दस ही नहीं रहे सही तरह वो कहें मैनू नहीं पता वो अंदर एंटरटेन नहीं कर रहे हैं हूँ बंदा जाए तो जाए कितने उन्होंने को एक डेट वाला डाटा पाया जी फलानी डेट तो फलानी डेट तक इतने पे है इस कोर्ट से चलान है उस कोर्ट से रिस्पेक्टिव कोर्ट से चलान नहीं है भाई जी गल इदा खज्जल खराबी है दिहाड़ी खराब करा का कोई फायदा नहीं है इस तो चंगा उन्नी चलान तुम जाके ट्रैफिक पुलिस भरे हो इतने भी इतनी खज्जल खराबी करनी है सानू आप लीगल फटर्निटी इन हो रही है तो आम लोगों तो मैं समझदा बहुत ज़्यादा हो रही होनी है उत्थे इस मौके कई लोग अजिहे भी सन जिन्हां दे कि लॉकडाउन के दौरान वाहन जब्त किए गए सन इन्हां दे विच कई ऑटो चालक भी सन जिन्हां दा कहना सी जुर्माने का भुगतान किया ते नाल ही कई लोग अजिहे भी सन जिन्हां दा कहना सी कि इत्थे जुर्माना काफ़ी घट लगता है ते इसे दे चलदे ओह काफ़ी खुश भी नज़र आए 100 रुपये दिया था जब 2800 में छुट गया था पहले दूसरी बार में 3500 में 4000 में छुटा था अब की बार तो चलान भी 6000 में छूटा है ये ठीक लगे सर अच्छा लगे 500 रुपये का चलान था 200 रुपये में छूटा तो कितना टाइम आपको लगा यहाँ पे कुछ टाइम तो नहीं लगा ज़्यादा नहीं ज़्यादा 11:15 बजे आए थे और निपट भी गए सर बिना परमिट का था चंडीगढ़ पंजाब नंबर था बिना परमिट का चलान हुआ था मेरा 10000 का कब हुआ था ये हुआ था सर 15 जनवरी 2020 को हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे लॉकडाउन से पहले हुआ था उसके बाद लॉकडाउन हो गया था जी तो आज यहाँ पे कितने का छूटा आज यहाँ पे 5000 रुपये लगे 10000 का चलान था हमारा ऑटो इम्पाउंड है उसी लिए हम आए हैं 10,500 की फाइन है मेरे कागज टूटे थे वो लॉकडाउन में गरीबी की वजह कर नहीं पाए अब क्या करूँ मेरे पास इतने पैसे भी ना 3000 पड़े हैं मेरे पास 10,500 की फाइन है छोड़ देंगे नहीं घर चले जाऊँगा क्या करें अब यहाँ पर पता नहीं साहब ने साहब जुर्माना बोलेंगे अब साहब की मर्जी है कितने पे हमें छोड़ दें लॉकडाउन में इंपाउंड हुआ था आपका नहीं अभी हुआ हफ्ता पहले हुआ है पहले। पर कागज में टूट गए थे ना मैं ये चीज़ में कह रहा था ना ऑटो अच्छा। पुलिस के पास है आपके पास हाँ पुलिस के पास मेरे पास कमा कर रहे हो खा कर
अब कैसे जो जेब में पड़े थे वही खाया हुआ नौ दिन, अब वही आया छोड़ देंगे तो कमाऊँ खाऊंगा, नहीं तो फिर क्योंकि चलान महंगे तो नहीं। अब 10,500 की फाइन हम कहाँ से ले आएंगे गरीब आदमी। ये चलान मणिमाजरे हुआ था, मैं ऑटो में सवारी लेके जा रहा था, उन्होंने रोका, बोले कि वो कहाँ पे है आपकी RC, मतलब चलान में गई हुई है, सवारी बैठी थी 2-4, फिर बोले कि परमट, मतलब ये परमट चंडीगढ़ का होता नहीं है, अपना चंडीगढ़ का तो कोई परमट है नहीं, मतलब डीजल गाड़ी का। तो उन्होंने चलान भर दिया, मैंने लाइसेंस दे दिया अपना, लाइसेंस दे के मैं अपने चला गया। अब उस टाइम से जिस टाइम राम रहीम पकड़े गए थे उस टाइम चलान हुआ था, आज छुटाया लोग अदालत से, वो भी 6,000 में छुटा। दसदी कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वालों साल 2022 यानी कि लॉकडाउन के दौरान 2300 वाहनों नू जब्त किया गया सी, 7400 लोगों के चलान कटे गए सन, जिस तों बाद कोई भी उन्हां वाहनों नू छुड़वाउण दे लई नहीं पहुंचिया ते ना ही लोगों ने चलान भरे, ते इस नू लै के ही अज शनिवार नू लोक अदालत लगाई गई। जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।